क्या आप जानते हैं कि आज की इरा में ये पॉसिबल है कि बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम के सेल्स को ट्रेन किया जाए कि वो कैंसर को जाके अंदर बॉडी में किल करें। आज हम बात करेंगे कार टी सेल के मेडिकल मार्वल के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MBA DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, कैंसर की जो करंट इरा है उसको इम्यूनोथेरेपी इरा बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन ये अंडरस्टैंडिंग है कि इम्यून सिस्टम बॉडी के कैंसर को इरेडिकेट करने की काबिलियत रखता है, और विभिन्न इम्यून टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे अवेलेबल होती जा रही है पेशेंट्स के लिए, जिनसे उनका सर्वाइवल और आउटकम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ऐसी ही एक इम्यूनोथेरेपी टेक्निक है जिसके बारे में शायद आपने बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में न्यूज़पेपर्स या वेबसाइट या इंटरनेट पर पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं कार टी सेल। तो आज के वीडियो में हम कार टी सेल से रिलेटेड कैंसर पेशेंट के सारे सवाल आंसर करेंगे, जैसे कि नंबर वन, कार टी सेल का मतलब क्या है, क्या होते हैं। नंबर टू, कार टी सेल के एडवांटेजेस क्या है। नंबर थ्री, किसी पेशेंट को कार टी सेल अंडरगो करने का प्रोसेस क्या है। नंबर फोर, कार टी सेल के डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है। नंबर फाइव, किस तरह के कैंसर में कार टी सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला, कार टी सेल इस्तेमाल करने की इस समय कीमत क्या है। और लास्टली, यदि कोई पेशेंट कार टी सेल अंडरगो करना चाहे तो ये कहाँ पे हमारे देश में एक्सेस कर सकता है। तो आइए आपके एक एक करके सारे सवालों का आंसर दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आंसर करेंगे दोस्तों, ये है कि कार टी सेल क्या होते हैं। तो कार टी सेल का फुल फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। तो दोस्तों, टी सेल बॉडी के अंदर सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर इम्यून सेल को बोलते हैं, और अब सबकी बॉडी में टी सेल है जो कि बॉडी के विभिन्न इन्फेक्शन और कैंसर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो कार टी सेल का मतलब ये है कि टी सेल जिसका रिसेप्टर को हमने चेंज कर दिया, यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर वाला टी सेल। तो दोस्तों, कार टी सेल बेसिकली कुछ स्पेशल तरह के टी सेल है जो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें टी सेल जो कि इन्फेक्शन या कैंसर को किल करने वाला सेल है उसके टारगेट को चेंज कर दिया जाता है, ताकि किसी नॉर्मल इन्फेक्शन को फाइट करने के बजाय स्पेसिफिकली जिस कैंसर के टाइप के सेल को हमें किल करना है उस तरह का रिसेप्टर उस सेल में इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो जाकर उस कैंसर को किल कर सके। तो ये एक रियली बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी का करिश्मा है जो आज के दिन कैंसर के फाइट करने के लिए पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल के लिए अवेलेबल किया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार टी सेल के मेन एडवांटेजेस क्या है। तो कार टी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है उसको कि कार टी सेल एक हाईली पोटेंट एंटी कैंसर थेरेपी है। तो ट्रेडिशनल जो कैंसर थेरेपीज है जैसे कि कीमोथेरेपी ले लो या टारगेटेड थेरेपी ले लो, उनमें हमेशा ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो इनका क्योर रेट शायद इतना हाई ना हो जितना हम चाहे, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी के कुछ सेल होते हैं जो जिनको ये टेक्नोलॉजी किल नहीं कर सकते या जो कि उस टेक्नोलॉजी से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ताकि कैंसर की बीमारी पर वापस आ जाती है। तो कार टी सेल की स्पेशल बात क्या है, क्योंकि हम एक इम्यून सेल को ही प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो जाके कैंसर सेल को मारे, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि बहुत ही इफेक्टिवली वो उस सेल को इरेडिकेट या किल कर सकता है। और इनफैक्ट यदि सेल खुद को मॉडिफाई करता है किलर से बचने के लिए, तो किलर भी एक लाइफ सेल होने की वजह से खुद को मॉडिफाई कर सकता है उस कैंसर को किल करने के लिए। तो एक तरह की एक्टिव इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर को बहुत ही इफेक्टिवली और पोटेंट तरीके से इरेडिकेट या किल कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि कोई कैंसर पेशेंट कार टी सेल थेरेपी अंडरगो करना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से पेशेंट का कंसल्टेशन होता है, और वो जज करता है कि क्या पेशेंट में कार टी सेल थेरेपी का रिस्क बेनिफिट जस्टिफाइड है, यानी क्या कार टी सेल पेशेंट के लिए अच्छी है, क्या पेशेंट की बॉडी इस थेरेपी को टॉलरेट कर सकती है, और क्या थेरेपी का रिस्क और बेनिफिट इस पेशेंट में ट्रीटमेंट के अनुकूल है। यदि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कार टी सेल मिलनी चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप को बोलते हैं ल्यूकोफेरेसिस। तो ल्यूकोफेरेसिस में क्या करते हैं कि एक मशीन से पेशेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसकी बॉडी में से व्हाइट सेल निकाल लिए जाते हैं, और उन व्हाइट सेल में से टी सेल्स को सेपरेट करके आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनको फ्यूचर में प्रोग्राम करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है कार टी सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो कार टी सेल दोस्तों एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड बायोमेडिकल प्रोडक्ट है जो बड़ी स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी में क्रिएट किया जाता है। तो पेशेंट की बॉडी से निकले हुए टी सेल स्पेसिफिक फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, और उस जगह पे उन टी सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर के उस एंटीजन को किल कर सके। तो इस प्रोसेस के बहुत सारे तरीके हैं, या तो वायरस से इन्फेक्ट करके सेल्स को चेंज किया जा सकता है, या कुछ DNA टेक्निक्स और RNA ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक्स है जिससे सेल का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और सेल के ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ है उसको मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो बहुत ही कुछ सेंटर्स पे होती है, बट नेट रिजल्ट ये होता है कि जो बॉडी के नॉर्मल टी सेल है उन्हें मॉडिफाई करके कैंसर के अगले डायरेक्टेड टी सेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इन्फ्यूजन इन टू द पेशेंट। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को यूजली कुछ दवाइयाँ दी जाती है ताकि पेशेंट उस इन्फ्यूजन के लिए उसकी बॉडी तैयार हो, और पेशेंट के अंदर के जो नॉर्मल इम्यून सेल है उनको कम से कम किया जाता है ताकि कार टी सेल प्रॉपरली बॉडी में एस्टैब्लिश होकर कैंसर सेल को किल किया जाए कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग नाम की इस प्रोसेस के बाद उन सेल्स को बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया जाता है और फिर पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। तो कार टी सेल इन्फ्यूजन के बाद इनिशियल कुछ हफ्तों का पीरियड काफ़ी क्रिटिकल होता है जिसमें वेरियस इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इस प्रोसेस के बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है और देखा जाता है कि कैंसर सप्रेस्ड है और पेशेंट की हेल्थ अच्छी है तब उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं और पेशेंट को फिर ओपीडी बेसिस पे फॉलोअप किया जाता है देखने के लिए कि कैंसर के ऊपर सेल्स का असर कैसा है और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो पेशेंट के नहीं है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है दोस्तों जो कि कार टी सेल थेरेपी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार टी सेल थेरेपी के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या है। तो कार टी सेल थेरेपी के कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस है जिनको ध्यान में रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, कार टी सेल हर कैंसर में यूज नहीं कर सकते और कैंसर पेशेंट में यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एवरी कैंसर इज नॉट टारगेटेबल विद कार टी सेल। आज की इरा में कुछ स्पेसिफिक कैंसर टाइप्स हैं जिनको हम कार टी सेल से अटैक कर सकते हैं, बाकी सारे अभी रिसर्च स्टेज पे, अभी भी कार टी सेल उन इंडिकेशन के लिए नहीं बने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर सेल टाइप्स है मेनली ब्लड कैंसर जिनमें कार टी सेल का एक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज कार टी सेल इज नॉट फॉर एवरी टाइप ऑफ कैंसर। सेकेंड इज की कार टी सेल थेरेपी के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो कार टी सेल का इन्फ्यूजन बॉडी में दिया जाता है तो ये सेल्स बॉडी के नॉर्मल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं CRS जिसको साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स का फेलियर हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार टी सेल इन्फ्यूजन के बाद पेशेंट को भी क्लोज वॉच की जाए कि ये सिंड्रोम पेशेंट में ना हो। दूसरा होता है कार टी सेल इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो देखा गया कि कार टी सेल जब बॉडी में इन्फ्यूज किए जाते हैं तो हालांकि ब्रेन के अंदर फैले हुए कैंसर में भी कार टी सेल काम करते हैं, पर साथ ही वो नर्वस टिश्यू को स्पेशली डैमेज करने का पोटेंशियल रखते हैं जिससे पेशेंट को मिर्गी के दौरे, बेहोशी और अन्य न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इस सिंड्रोम से भी बचना बहुत जरूरी है और इसका केयरफुल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कार टी सेल बॉडी में इन्फ्यूज किए जाते हैं तो कई बार वो नॉर्मल इम्यून सेल्स को भारी मात्रा में किल कर देते हैं जिसका रिजल्ट होता है कि पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार टी सेल इन्फ्यूजन के बाद पेशेंट की जो नेचुरल इम्यूनिटी इन्फेक्शन से लड़ने वाली है वो काफ़ी कम हो सकती है और काफ़ी टाइम पेशेंट को ध्यान से फॉलो करना पड़ता है ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो जो कि फेटल भी हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कार टी सेल का है कॉस्ट। तो दोस्तों एज ऑफ टुडे कार टी सेल थेरेपी इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कमर्शियली मैन्युफैक्चर करके पेशेंट को एक्सेस करा रही है। मेनली जो इंडियन कार टी सेल प्रोडक्ट है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में है। तो एज ऑफ टुडे मेनली कार टी सेल हमें बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं और उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एज ऑफ टुडे तीन मेन डिसएडवांटेजेस कार टी सेल के हैं, बट ये एक इवॉल्विंग साइंस है जिसका धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का वजह ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कार टी सेल से रिलेटेड है वो ये है कि कौन से कैंसर टाइप में कार टी सेल को यूज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर टाइप जिसमें कार टी सेल यूज किए जाते हैं आज के एरा में वो है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ALL जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, और मल्टीपल मायलोमा जो कि एक तरह का बोन मैरो का कैंसर होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एज ऑफ टुडे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसमें कार टी सेल अवेलेबल है और एक्सेसिबल है वो दोनों ब्लड कैंसर है। इसके अलावा एक डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है जो कि एक और तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें कार टी सेल को कॉमनली यूज किया जा सकता है, और कई अदर कार टी सेल डेवलप किए जा रहे हैं जो वेरियस ब्लड कैंसर में एक्टिव है। तो दोस्तों चूंकि कार टी सेल ब्लड में सर्कुलेट होने वाला सेल है देखा गया कि उसका बेस्ट एक्शन ब्लड कैंसर के अगेंस्ट ही है, और आज के दिन मेनली कार टी सेल ब्लड कैंसर में ही यूज होते हैं। परंतु रिसर्च चल रही है कि कार टी सेल को सॉलिड ट्यूमर में भी यूज किया जा सके। तो हालांकि कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट सॉलिड ट्यूमर के लिए आज के दिन अवेलेबल नहीं है, परंतु वेरी इंपॉर्टेंट किडनी कैंसर, पेट के कैंसर और बच्चों के एक ट्यूमर जिसको न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं उसके कार टी सेल बड़ी एडवांस रिसर्च पे है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही मार्केट में उन सॉलिड ट्यूमर के अगेंस्ट कार टी सेल भी शायद अवेलेबल हो जाए। फाइनली हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, कार टी सेल थेरेपी का करंट कॉस्ट और कार टी सेल की करंट अवेलेबिलिटी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो यदि कोई पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट कार टी सेल परचेज करना चाहे तो आज के दिन कार टी सेल आर एक्सट्रीमली कॉस्टली, और टिपिकली एक कार टी सेल थेरेपी का कॉस्ट अराउंड 50-60 लाख होता है जो कि ज़्यादातर हमारे कंट्री के पेशेंट्स की पॉकेट के आउट ऑफ रीच है।
परंतु वेरी इंपॉर्टेंट, एज ऑफ टुडे कार्टी सेल जो बाहर अवेलेबल है उसी की तरह के इंडियन कंपनीज बहुत सारी है जो कार्टी सेल बनाने की कोशिश कर रही है, और इन कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल्स भारत में विभिन्न हिस्सों में चल रहे हैं, और जिन पेशेंट को कार्टी सेल से ट्रीट होने वाले कैंसर की बीमारी है वो इन क्लिनिकल ट्रायल्स को एक्सेस कर सकते हैं वेरियस सेंटर्स में। एज ऑफ टुडे जो कि अप्रैल 2023 है, टू माई नॉलेज कार्टी सेल के ट्रायल्स मुंबई में अवेलेबल है, बेंगलोर में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है और चेन्नई में अवेलेबल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी को कैंसर की बीमारी है जो कार्टी सेल के लिए वारंटेड है, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि कार्टी सेल मिलने एक्सेसिबल ही नहीं है, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, वेरियस क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करके पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये थेरेपी एक्सेस कर सकते हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें वही कैंसर और वही इंडिकेशन होनी चाहिए जिसके लिए कार्टी सेल का ट्रायल चल रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कार्टी सेल टेक्नोलॉजी के बारे में जरूरी जानकारी मिली हो। तो ये हाईली इवॉल्विंग फील्ड है, अभी हमारे देश में कार्टी सेल का कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और जो भी कार्टी सेल हमारे देश के अंदर बन रहे हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स में ही है। पर इस थेरेपी का साइंस रैपिडली इवॉल्व करेगा, एंड आई होप इन नेक्स्ट 6 मंथ्स जब हम इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब हम आपको और अच्छा और बेटर न्यूज दे पाए। बट दिस वीडियो इज मेनली फॉर अवेयरनेस अबाउट दिस न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलमोस्ट एवरी डे पेशेंट से सवाल पूछते हैं, तो आई वॉन्ट की पेशेंट्स में जानकारी मिले। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे इंडिया के पेशेंट्स को उसके बारे में जानकारी अपनी भाषा में मिले और वो उसको एक्सेस कर पाए, अपना सर्वाइवल बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो इस मिशन में आपसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि वीडियो से रिलेटेड टॉपिक से आपको कोई सवाल है या क्वेश्चन है जो वीडियो में कवर नहीं किया हो, तो स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्प्लेड है जिससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का आंसर आपको मिले। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।